नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर भारत बंद से एक दिन पूर्व किसान पदयात्रा अतरौलिया विधायक संग्राम यादव के नेतृत्व में निकाली गई, जो क्षेत्र के कई गांव बाजारों से होते हुए थिरई पट्टी गन्ना सेंटर पर जाकर समाप्त हुई। इस दौरान भारी संख्या में किसान भी मौजूद रहे। इस दौरान सपा व किसान नेताओं ने किसान की आय बढ़ाओ, खेती किसानी बचाओ, चीनी मिल चालू करो, काला कानून वापस लो, किसान उत्पीड़न बंद करो, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, जब से भाजपा आई है कमर तोड़ महंगाई है आज के नारे लगा रहे थे। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने एक प्रेस वार्ता करके सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। आइए सुनाते हैं क्षेत्रीय विधायक संग्राम यादव ने क्या कुछ कहा। और आज जो हम आंदोलन कर रहे हैं, ये हमारा आंदोलन अब गांव-गांव जाएगा। हम कोई एक दिन आंदोलन करके उसको ख़त्म करने वाले नहीं हैं। हम लगातार अब किसानों के बीच जाएंगे और किसानों से कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये पूंजीपति समर्थक है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा संपत्ति अडानी की बढ़ रही है और सबसे ज़्यादा संपत्ति अंबानी की बढ़ रही है और किसान बदहाली पे अपना जीवन गुजर कर रहा है। एक तरफ कोरोना का भय पैदा किया जा रहा है और दूसरी तरफ हमारे किसानों के अधिकारों को, उनके बच्चों को स्कूल पठन पाठन के बारे में सरकार गंभीर नहीं है। हम जहाँ पर खड़े हैं, ये खिरई पट्टी गाँव है, यहाँ पर कांटा लगा हुआ है। अभी अब आप ये किसानों से संपर्क करेंगे तो हफ्ते भर से टाली खड़ी है, कोई एक भी गन्ना तौल नहीं हुई है। लेकिन जब टेलीविज़न खोला जाता है तो उस पर किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें होती हैं और जब यथार्थ में आप जाएंगे तो आप खुद देखिए, पड़ताल करिए कि आज यहाँ किसान अपना ट्रैक्टर टाली खड़ा किया है, उसके गन्ने की तौल नहीं हो पाई है और सरकार कह रही चीनी मिल में टेक्निकल खराबी। आखिर वो टेक्निकल खराबी आप कब तक दूर करेंगे? किसान अपनी पेड़ी बेच लिया होता तो उसमें गेहूँ पैदा करता। लेकिन हम आज आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को कि अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लगातार निर्देश है कि वो लगातार हम गांव में जाएंगे, हमारी पार्टी के लोग जाएंगे। आज सीमित सूचना पर इतनी बड़ी तादाद में किसान आए हैं, पूरी पार्टी हमारा अहरौला में अंदर, भूलनपुर के अंदर, तहसील गाँव में हम किसानों को जागरूक करेंगे और ये इतना बड़ा हम जन समर्थन खड़ा करेंगे कि आप देखे होंगे समर्थन के आगे प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हमारी पार्टी जहां बैलेट से चुनाव हुआ श्री लाल बिहारी यादव, जहां शिक्षक का चुनाव जीते वहीं पर हमारा नौजवान साथी सिन्हा, अमित सिन्हा, वो ग्रेजुएट का चुनाव जीता है बनारस में, जिसको कोटो बनाने की बात करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम बांटने की बात करते हैं, धर्म के आधार पर विभाजन की बात करते हैं, वहीं का युवा, वहीं का ग्रेजुएट पढ़ा लिखा बनारस के अंदर, उसने रास्ता दिया। अगर कोई दूसरी जात का जीता, लेकिन देखिए सिन्हा बिरादरी का जीता, सारे जाति धर्म का समर्थन वहां पे मिला, इलाहाबाद के अंदर समर्थन मिला, हमारी पार्टी को उत्तर प्रदेश में व्यापक समर्थन मिल रहा है। और किसान चाहता था, नौजवान चाहता था कि हम सड़कों पर उतर करके व्यापक प्रदर्शन करें और सरकार को चेताने का काम करें। तो आज चूँकि शादी ब्याह का ये दौर चल रहा है, हमारा किसान खेतों में व्यस्त है, हमारा किसान अपनी चिंता में लगातार, उसकी बेटी की शादी है, बेटे की शादी है और सरकार का इस तरह से जो रवैया है उससे दुखी है। लेकिन आने वाले दिनों में बहुत जल्द हम इतना बड़ा व्यापक आंदोलन छेड़ेंगे कि सरकार की नींद हराम हो जाए।